Hey learners, it's me Vishal Soni. We at an academy are launching all star and foundation batches for GATE and ESC 2024 on 30th of June. Along with that, we are giving you flat 25% off on all an academy subscriptions, and on top of that we are giving you free extensions on plus and iconic subscriptions. Remember, the offer is valid only up to 30th of June, so avail this offer and get the chance to study from top educators of the country at the single platform. Thank you so much. Bolo jaldi se, है ना A4 शीट? नहीं होगा तो एक A4 शीट खरीद लेना मार्केट से, ठीक है? उसके बाद कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने 12वीं में IIT की तैयारी करी थी, जल्दी बताओ फटाफट सभी लोग। डेडपूल मेरे भाई, ये आपने इसको गूगल का सेशन बना दिया है। यूपीएससी में जनरल की सर एज लिमिट कितनी है? सर ये बताओ आसमान में कितने तारे हैं? सर आप बताइए कि जो है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? सर दुनिया में सर कितने कॉन्टिनेंट हैं? अरे यार गूगल करके देख लो, कैसी बात कर रहे हो। सबने करी IIT की तैयारी है ना? ठीक है, IIT की तैयारी सबने करी हुई है, मगर आप IIT नहीं जा पाए, ठीक है ना? 12वीं में आप IIT नहीं जा पाए, तो एक A4 शीट लो आप सभी लोग, और ऊपर ऊपर आपको हेडिंग डालनी है रीजन आई कुड नॉट गो टू IIT। अच्छा एक चीज और मैं पूछता हूँ, गो टू IIT, ठीक है? एक चीज और पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग ये अंदर से महसूस करते हो, दिल से कितने लोग ये महसूस करते हो कि यार आज जिस कॉलेज में बैठा हूं उससे बेहतर कॉलेज डिजर्व करता हूं और मिल भी सकता था। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी Tier 2 में हो तो NIT में होते, या NIT में हो तो IIT में होते, या IIT में होते और बेहतर IIT में होते। जिस भी कॉलेज में हो, क्या आप सभी को अंदर से लगता है यार इससे बेहतर कॉलेज डिजर्व करते थे, मिल भी सकता था, मिल जाता है ना? तो द रीजन I could not go to IIT in 12th, ठीक है? ऊपर ये हेडिंग होनी चाहिए आपके A4 शीट में। सारे के सारे पॉइंटर्स लिखना शुरू करो, है ना? पहला प्रोक्रेस्टिनेशन, बहानेबाजी करते थे, क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करते। आपके पास ऐसे 10 से 12 पॉइंटर्स आ जाएंगे, ठीक है? जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट किया था ना, सबसे पहली चीज मैंने यही शीट बनाई थी, यही शीट कि मैं क्यों 12वीं के टाइम पे IIT नहीं जा पाया था। मेरे पास 10 पॉइंटर्स आए थे, ठीक है? जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे, रिवीजन नहीं करते थे, क्लासेस में रेगुलर नहीं थे, मौज मस्ती करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, फलाना फलाना फलाना, ऐसे करके मेरे पास पॉइंटर्स आ गए थे। तो इस A4 शीट को जिस टेबल पे मैं बैठ के पढ़ता था ना, उसी टेबल पे सामने मैं चिपका दिया करता था, ठीक है? जब भी मैं पढ़ते टाइम पे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, मेरे दिमाग में कोई और थॉट आता था, या मैं रिवीजन करता था, मुझे लगता था यार रिवीजन करना तो बोरिंग काम है, क्यों रिवीजन करें, या मुझे लगता था कि यार 2 घंटे पढ़ लिए, अभी भी 1 घंटे पढ़ सकते हैं, बट क्यों पढ़ें, तो मैं इसको देखता था। तो मुझे ना जो भी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा होता था, वो थॉट इनमें से कहीं ना कहीं पे लिखा होता था, जैसे रिवीजन करना बोरिंग है, तो जाहिर सी बात है आपने वहां पे अच्छे से रिवीजन नहीं किया होगा, आप IIT में नहीं बैठे। तो मुझे देख के ये लगता था कि यार अगर मैंने सेम मिस्टेक उस समय करी, रिजल्ट मेरे सामने है, मैं पता नहीं कौन से XYZ कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं, अगर सेम मिस्टेक मैं अब भी कर रहा हूं तो रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएगा? भाई अगर आप उस समय IIT में नहीं जा पाए, सेम आदतें, सेम हैबिट्स, सेम अपना थॉट प्रोसेस रख के, तो वही सारी सेम हैबिट, सेम आदतें, सेम थॉट प्रोसेस अगर अभी भी है, तो आप कुछ चमत्कार थोड़ी हो जाएगा कि अचानक से आपको वरदान मिलेगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे, कुछ नहीं होगा भाई, वैसे ही रहोगे जैसे वहां पे रिजल्ट था, जैसे वहां पे पछतावा था वही पछतावा यहाँ पे रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमें पर्सनली पसंद नहीं होती हैं। विराट कोहली को नहीं पसंद होगा भाई कि वो सुबह से शाम तक जो डाइट करता है ना, वो नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है, उसको नहीं पसंद होगा। मोदी जी को नहीं हो सकता है कि 18 घंटे लगातार काम करना डेली बेसिस पे पसंद हो, बट वो लोग करते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा, All the things which is necessary has to be done whether you like it or not. आपको पसंद हो नहीं पसंद हो फर्क नहीं पड़ता भाई, ये जरूरी है तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बहुत सारे लोग पहले चीनी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है बाद में यार डायबिटीज हो जाएगा, तो पहले अपने डाइट स्ट्रिक्ट कर लेते हैं और उनको डायबिटीज नहीं होता, और जो लोग नहीं छोड़ते उनको देर सवेर फोर्सफुली छोड़नी पड़ती क्योंकि उनको डायबिटीज हो ही जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी राइट टाइम है, अभी डायबिटीज हुआ नहीं है, अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है, चीनी छोड़ दो। चीनी अगर अभी छोड़ दोगे तो हेल्दी रहोगे लाइफ टाइम, बाद में चीनी छोड़नी पड़ेगी और हेल्दी भी नहीं रह पाओगे। पड़ेगी तो चीनी छोड़नी ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बेहतर है कि हेल्दी रह के उसको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये सारी बुरी आदतें जो है ना, ये चीनी है, छोड़ दो अभी, अभी छोड़ोगे तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपकी हमेशा चलती रहेगी। क्लियर है मेरी बात सबको? तो ये काम आज के बाद जितने लोग लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देखोगे, भाई साहब ये आपकी
टेबल के सामने होना चाहिए. उसके बाद भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप समझ जाओ कि भाई मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा ही नहीं हूं. जैसे नॉर्मल जिंदगी लाखों लोग जी रहे हैं, शायद वही मेरा भी अंत हो जाएगा, वही मेरे भी भाग्य में लिखा हुआ है. ठीक है. और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको और बताता हूं. ठीक है, सब बता दिया, यहां पर सब लिखा हुआ. कंसिस्टेंट कैसे रहे, क्यों नहीं रह पा रहे हो कंसिस्टेंट, क्या दिक्कत है कंसिस्टेंट रहने में, इनमें से देखो. चेयर टेबल पे बैठो, उठना नहीं चाहिए. यहां पर एक एक आपके में आएगा कि भाई 12वीं में कंसिस्टेंट नहीं थे, अभी भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं कर पाओगे. देखो मैं आपको बता दूं, आप जब किसी से सलाह मांगते हो, कोई मोटिवेशन मांगते हो ना, कभी भी मोटिवेशन से कुछ भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता. हमेशा बड़ा लक्ष्य हासिल होता है फियर से, डर से. जैसे आप लोग सेमेस्टर से एक दिन पहले क्यों पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए 31 जनवरी को सेमेस्टर और 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से ही पढ़ना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते भाई, 31 को बैठ के क्यों पढ़ते हो? क्योंकि फियर होता है, डर होता है. जीवन में बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होगा जब आपके अंदर फियर क्रिएट होगा. तो जब ये टेबल आप देखोगे ना, आपके अंदर एक फियर क्रिएट होना चाहिए कि यार ये सेम चीज रिपीट ना हो जाए यहाँ पे. वो फियर आपको मोटिवेट करेगा, आपको कंसिस्टेंट रखेगा, आपको रिविजन करवाएगा, आपको डिसिप्लिन बनाएगा, आपका दिमाग लगाएगा, आपको पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिविटी हटाएगा. ये फियर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गया ना. हाँ, बैक ना लग जाए. सभी को लगता है आखिरी दिन पढ़े बैक ना लग जाए, तो आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ बैक लग भी गई आपकी, बीटेक में बैक लग गई तो उसको क्लियर तो कर सकते हो ना. बैक लगने से कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपका जीवन ही पूरी तरीके से बदल जाएगा, बट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, इनकी ग्रेविटी आप समझते नहीं हो. एक गेट का एग्जाम अगर आपने क्लियर किया या कोई भी एक टॉप क्लास का कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया ना, आपकी फैमिली के ऊपर जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का टैग लगाओ ना, पूरा आप चेंज कर सकते हो भाई, पूरा चेंज कर सकते हो. तो इतनी बड़ी ग्रेविटी जिस एग्जाम की आप तैयारी करो, इतना बड़ा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो जिससे कि पूरी की पूरी आपकी क्रेडेंशियल, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है. एक छोटा सा एग्जाम किसी सब्जेक्ट में बैक ना लग जाए, उसके लिए हालत खराब है बिल्कुल, नींद नहीं आ रही है. और एक इतना बड़ा एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको डर ही नहीं लग रहा है. आप सोच रहे हो जाएगा, आराम कर रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ये लिस्ट बनाइए, रखिए, फियर क्रिएट करिए अपने दिमाग में, डे इन डे आउट रिलीजियसली हार्डवर्क करो. कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई भगवान वरदान देने नहीं आएंगे. कॉपी पेन बैठ के जितनी रफ कॉपियां भरते जाओगे, जितना घिसते जाओगे, उतना अपने लक्ष्य के करीब आते जाओगे. जितना बैठ के डे ड्रीमिंग करते जाओगे, सोचते जाओगे क्योंकि चमत्कार होगा, किसी की वीडियो देख लेता हूँ, विवेक बिंद्रा की देख लेता हूँ, खान सर की देख लेता हूँ, इनकी देख लेता हूँ, कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे. मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला. काम तभी बनेगा जब घिसोगे बैठ के. चेयर टेबल उठाओ, बैठो, सुबह से शाम तक भर डालो रफ कॉपियां सारी की सारी. जितना ये करते जाओगे, उतना आप करीब होते जाओगे. जब भी मन भटके, ये रखा हुआ आपके सामने है ना, ये फियर क्रिएट करेगा, पढ़ने वापस से बैठ जाओ. ठीक है ना. चलो, तो बहुत सारे लोग जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने उनको आंसर दे दिया. तो ये सभी लोग आज जाके करना, ये आज आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए, ये काम सबका होना चाहिए. ठीक है, परफेक्ट. अभी बता दिया डेली रूटीन को कैसे मेंटेन करें, 100 बातों की एक बात ये मैंने बता दी. ठीक है, ये करो, सब मेंटेन हो जाएगा अपने आप. डेली रूटीन, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिविजन में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, 2 बार हो गया, सबका इलाज यहीं पर है. ठीक है, सबका इलाज यहां पर रखा हुआ. हाँ, और बताओ इसके अलावा. सिली मिस्टेक्स में कैलकुलेशन एरर्स बहुत हो रही. देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन राहुल कुमार ने पूछा, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है. देखो, इन्होंने पूछा है कि सिली मिस्टेक्स में कैलकुलेशन एरर काफी हो जाती है. तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को सलाह देता हूं कि आप सभी लोग ना एक मिस्टेक्स की कॉपी बनाइए. जैसे मैं बताता हूं ना, मेरे साथ क्या मिस्टेक्स होती थी. मैं कभी कभार ना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा ले लेता था जल्दीबाजी में. ठीक है, भूल जाता था, कॉस 90 की वैल्यू 1 ले लेता था. ऐसी मिस्टेक्स हो जाया करती थी मुझसे. तो मैंने एक 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 मिस्टेक्स की कॉपी बना रखी थी. आप ना उन मिस्टेक्स की कॉपी बनाओ. जैसे आज आपने टेस्ट दिया, टेस्ट से 5 गलतियां, उन 5 गलतियों को लिख लो कॉपी पे. अगला जब आप टेस्ट देने जाओ ना, तो उन 5 गलतियों को देख के जाओ कि भाई ये तो रिपीट नहीं करूंगा, उसमें भी 1-2 गलतियां हो जाएंगी. और 1-2 गलतियां जब हो जाएंगी, तो आप उस मिस्टेक वाली कॉपी को इंप्रूव करते जाओ. आप देखोगे ना, 4th, 5th, 6th टेस्ट तक जाते जाते या 1-2 महीने तक ये मिस्टेक्स की कॉपी बनाते बनाते ना, सिली मिस्टेक्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे. तो देखिए, जो भी चीज इंप्रूव करना ना, उसको डॉक्यूमेंट कर लो, समझ गए. जैसे कि मान लो, मुझे अगर लगता है कि यार मुझे अपनी टीचिंग इंप्रूव करनी है, तो मैं अपनी वीडियो देखूंगा, मुझे अपने वीडियो में कुछ कुछ फ्लॉ लगते हैं, मैंने उसको लिख लिया है कॉपी पे कि अच्छा ये चीजें मुझे इंप्रूव करनी है. तो मेरे पास एक पॉइंटर्स रहेंगे कि उन पॉइंटर्स पे मुझे काम करना है. ठीक है ना. अब जैसे मान लो, कल मुझे क्या क्या करना है मुझे नहीं पता, तो आज रात में बैठूंगा, सारे पॉइंटर्स बना लूंगा, डॉक्यूमेंट कर लूंगा उसको, और उसके बाद अगले दिन मुझे पता रहेगा, अच्छा ये करना, ये करना, ये करना. तो जो भी चीजें आप इंप्रूव करना चाहते हैं ना, उनको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो. समझ रहे हो मेरी बात को. लिख लो एक जगह पे, लिखने की आदत डालो. सोचो मत, डे ड्रीमिंग मत करो, कॉपी पेन उठा के लिख डालो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो कम टाइम में उसका निपटारा हो जाएगा. ओके,
प्लस पे मैथ्स के बाद सब्जेक्ट स्टार्ट होगा सिग्नल। जिनके क्वेश्चन के आंसर नहीं हो पा रहे यार, वो दोबारा से क्वेश्चन पेस्ट करते जाओ, क्योंकि कई कई बार चैट में दिखता नहीं है। मैथमेटिक्स YT से कर लूँ या अनअकैडमी, अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो प्लस वाले से प्रेफर करिए, ठीक है। प्लानिंग हो जाती है, लेकिन जैसी की तैसी एग्जीक्यूट कैसे करें अभी बता दिया ना, वो सामने रखो, ठीक है। अपना कच्चा चिट्टा, अपनी फेलियर सामने दिखती रहनी चाहिए। PYQ सॉल्व कर लूँ अभी, सिलेबस खत्म खत्म, अब कहाँ से प्रैक्टिस करें? एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है क्या भाई? सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो, उनके PYQ उसकी प्रैक्टिस करो, आप समझ गए? सब्जेक्ट पढ़ो और उनके PYQ उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और वो हो जाए तो मैथ्स के लिए मैंने आपको अदर रिसोर्सेज बता रखे हैं। RK कनौडिया आप लगा सकते हो, और मैथमेटिक्स सारे ब्रांचेस के लगाना। RK कनौडिया और प्रैक्टिस कर लो, उतना मोर देन सफिशियंट है ना, उससे ज्यादा करोगे भी तो याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो या गेट की प्रिपरेशन करो, बैठ के एक बार स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस कर लो कि गवर्नमेंट एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, उसमें आप कितने स्ट्रांग हो, इसमें क्या पूछा जाता है गेट में, उसमें आप कितने स्ट्रांग हो, जो ज़्यादा अच्छा लगे उसकी तैयारी कर लो। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप गेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, और अगर सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी करोगे तो कॉम्पिटिशन तो आपका उन्हीं लोगों से ना जो ES की और गेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा तैयारी का लेवल यहाँ पे रखोगे, छोटे मोटे एग्जाम्स अपने आप निकल जाएंगे। तैयारी में टाइम देना पड़ता है भाई, एक दिन में तैयारी नहीं होती, एक डेढ़ साल तैयारी में इन्वेस्ट करो, फिर एग्जाम्स निकलने शुरू होंगे, समझ गए? एक PYQ बुक सफिशियंट है, ठीक है, ओके। सिग्नल और कंट्रोल कैसे करें? पढ़ो टीचर से, और कैसे करोगे? जिन भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनसे पढ़ो, उनके क्वेश्चंस लगाओ। एक्यूरेसी के बारे में अभी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें, इसी चैनल पे एक शॉर्ट डाला हुआ है, ठीक है, उस शॉर्ट्स को जाके चेक करो, सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो उस क्वेश्चन को लिप सिंक करके पढ़ो, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, पेन लिखते टाइम पे जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको बोल बोल के करोगे कैलकुलेशन, तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। मोर देन दैट, इसी चैनल पे शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप जाके उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट यार अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने बताया था कि मैं आपको 2-3 शॉर्ट वीडियोस बना के दूंगा, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे टाइम मिलता है मैं आपको 2-3 साइंटिफिक तरीके बताता हूँ कि आप कितने बेस्ट तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर जरूर मुझे बनाना है वीडियो, मैंने 2-3 बार पहले भी कमिट किया है, बट जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 35 साल के PYQ अगर आप लेना चाहते हो गेट एकेडमी का ले सकते हो, और उसमें शायद 25 साल के हैं, अगर आपकी ब्रांच EC इलेक्ट्रिकल है, और अगर अदर ब्रांचेस हैं तो आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, और अदर ब्रांचेस का मुझे आइडिया नहीं, बट EC इलेक्ट्रिकल में सबसे बेस्ट PYQ अगर किसी पब्लिकेशन की है तो गेट एकेडमी पब्लिकेशन की है, ठीक है, सबसे अच्छी PYQ। पूरा साल मैंने सर कंप्लीट किया, नंबर 10 है, एनालिसिस करो, बैठो ठंडे दिमाग से, पूरे साल क्या तैयारी करी, कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी रह गई थी, गेट में जब पूछा गया तो क्या नहीं कर पाए, क्या आपने रिवीजन किया था प्रॉपरली, क्या आपने टेस्ट सीरीज दी थी प्रॉपरली, बैठ के अपनी सेल्फ एनालिसिस करो, आपसे ज्यादा आपको कोई और जानता ही नहीं, समझ गए ना। बाई कहाँ से कर सकते हो? अमेजोन से बाई कर लो, अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट पे देखो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिग्नल सिस्टम आपने रिकॉर्डेड देख रखा, डाउट आ रहा है तो अभी मेरी मैथमेटिक्स की शाम को क्लास चल रही है, उसमें आप आइए, जो भी डाउट आ रहा है वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मैकेनिकल मनीष कुमार, मैंने मैकेनिकल ब्रांच वाले प्लस पे क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे, ऑलरेडी मैंने टीम को कम्युनिकेट किया है। असल में क्या होता है, अनअकैडमी में जब भी कोई कोर्स लॉन्च होता है तो उसकी ब्रांच वाइज मैपिंग हो जाती है, जैसे कि मेरे सब्जेक्ट की EC इलेक्ट्रिकल में मैपिंग हुई, इस वजह से शायद अदर ब्रांचेस वाले नहीं देख पा रहे, अगर कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को रेज कर चुका हूँ। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ ESE मैं लूंगा नेक्स्ट वीक में, मोस्ट प्रॉब्ली मैं लूंगा, अभी मैंने बार्क वालों के लिए एक सेशन रिकॉर्ड कर दिया, मोस्ट प्रॉब्ली वो लाइव भी हो जाएगा कल तक, कि उनको इंटरव्यू के कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी ESE की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इस वीक में आपकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मैं रिलीज कर दूंगा सारी, ठीक है। डर लगता है कि मान लीजिए इस बार गेट ना निकला तो क्या होगा? ऐसे तो मैं खड़ा हूं मैडम, अभी ये छत मेरे ऊपर गिर जाएगी तो क्या होगा, अभी मैं रात में सो रहा हूँ भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा यार, ये इस पर किसका बस चल रहा है? बार बार आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, लीव द रेस्ट। जो चीज़ें कंट्रोल में है, पढ़ाई कर सकते हो, शेड्यूल मैनेज कर सकते हो, दिन रात जी जान से मेहनत कर सकते हो, वो करो, बाकी छोड़ दो। अब यार ऐसे कोई करेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। आपने यहाँ तक ABCDEFGH सब सीख लिया,
अब बचपन में कोई बता देता कि भाई कल सुबह होते ही आप ABCD EFGH नहीं सीख पाओगे, या कल सुबह होते ही आप कहीं रास्ते निकलोगे सब भूल जाओगे, बचपन में आपके दिमाग में कोई बिठा देता तो भाई 1 साल बाद क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता, अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो हर पल मेहनत करते रहो, अपना बेस्ट शॉट दो, ठीक है। ये सब उल्टे सीधे विचार दिमाग में तब आते हैं जो आदमी खाली बैठा होता है। दिमाग को खाली मत छोड़ो, एक शेड्यूल बनाओ, मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। Hey lovers, it's me Vishal Soni. We at an academy are launching all star and foundation batches for GATE and SC 2024 on 30th of June. Along with that, we are giving you flat 25% off on all an academy subscriptions, and on top of that we are giving you free extensions on plus and iconic subscriptions. Remember, the offer is valid only up to 30th of June, so avail this offer and get the chance to study from top educators of the country at the single platform. Thank you so much.